सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित रावत और आज हम आए हैं शिमला हिल स्टेशन। और आज गाइस मैं कैंपिंग करने वाला हूं यहां टनल के ऊपर। दोस्तों ये कैंपिंग बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना और आइए चलते हैं टनल के ऊपर और लगाते हैं कैंप। यहाँ से लग रहा है रास्ता, देखते हैं। दोस्तों टनल के ऊपर हमने ये जगह देखी है, यहाँ पे अब हम कैंप लगाने जा रहे हैं। तो चलिए लगाते हैं पहले कैंप और फिर बाद में आपको दिखाते हैं यहाँ की टॉय ट्रेन। तो कैंप मैंने लगा दिया है, अब इसने सिर्फ डोरमैट लगाना है और ये सामान सारा कैंप के अंदर डालना है। तो ये डोरमैट है, ये बैग अंदर डाल देते हैं। अभी तो हमने इसके अंदर लैंप लगाने हैं, फिर आपको इसके अंदर का व्यू दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो दोस्तों जहाँ पे मैंने कैंप लगाया है वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ कैंप से ही, यहाँ से टनल के ऊपर से क्या व्यू है आपको दिखाता हूँ। बहुत ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर निकल के दिखाऊँ थोड़ा सा। ये रेलवे ट्रैक है और ये हाईवे है, नेशनल हाईवे कालका टू शिमला। ये दोस्तों शिमला हिल्स हैं, ये देखिए। अभी अभी सनराइज हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि आपको टॉय ट्रेन दिखाते हैं, तो दोस्तों मेरे पीछे आप देखेंगे, ये देखिए टॉय ट्रेन आ रही है, वो देखिए आपको फुल दिखाते हैं आगे से। ये देखिए दोस्तों,
तो हमारा स्वीट कॉर्न वेज सूप बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं दिखने में भी कितना लाजवाब बना हुआ है। ये देखिए, अब आपको हम इसका टेस्ट करके बताएंगे, इसको पी के बताएंगे कि एक्चुअल में कैसा बनाया है हम लोगों ने। और आप भी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये कैंपिंग कैसी लगी। तो दोस्तों पहले हम सूप एंजॉय करते हैं। एक नंबर का सूप बनाया दोस्तों, एक नंबर का। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं। दोस्तों कितना अच्छा होगा ना, स्वीट कॉर्न सूप हो, ठंडा ठंडा मौसम हो, शिमला हिल्स हो और वहाँ पे कैंपिंग हो। तो दोस्तों यही सोचकर हम चंडीगढ़ से इतनी दूर आए हैं कि दोस्तों ठंड की शुरुआत हो चुकी है और हमें कैंपिंग करनी चाहिए, यही सोचकर दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था शिमला हिल्स पे कि ऐसी कैंपिंग होगी, टॉय ट्रेन आ रही होगी और वहाँ बैठ के हम इंजॉय कर रहेंगे। दोस्तों यहाँ का आप क्लाइमेट्स देखें तो बहुत ही अच्छा है, आप देख ही सकते हैं, मेरे को कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है। तो गाइज़ हमने अभी तक 7 कैंपिंगें करी हैं, कुछ कैंपिंग कसौली में करी हैं, कसौली हिल्स में, कुछ हमने सोलन के हिल्स में करी हैं और अब हमारा प्लान बना था कि अब शिमला में जाकर भी कैंपिंग की जाए और वो भी टनल के ऊपर। दोस्तों टनल के ऊपर हमने पहली बार कैंपिंग करी है और हमारा एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत अच्छा है अभी तक, तो हमने बहुत इन्जॉय करा है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं टनल के ऊपर ही बैठा हूँ, ये देखिए ये टनल है, ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ से आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेन दिखाई थी, टॉय ट्रेन, जो कि कालका से शिमला को जा रही थी। तो दोस्तों अब हम थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं और कैंप को कर देते हैं बंद अंदर से। दोस्तों यहाँ पे लैंप लगाने की तो अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से आ रही है रोशनी। थोड़ा सा होते हैं रिलैक्स। तो दोस्तों काफ़ी रेस्ट हो गया है और अब करते हैं लंच की तैयारी और बनाते हैं ऑमलेट और उसका सामान निकालते हैं, पहले देखते हैं कहाँ कैसे हवा है। ये ब्रेड सिलेंडर गैस समोसे। ये सबसे पहले हम प्याज काट रहे हैं, और उसके बाद अब हम काटने जा रहे हैं टमाटर। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। और अब टमाटर के बाद काटते हैं मिर्च। तो दोस्तों ऑमलेट की सारी तैयारी हमने कर ली है, अब हम जा रहे हैं ऑमलेट बनाने। ये देखिए अंडा वगैरह अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, जो प्याज वगैरह काटी थी, ये हमारी ब्रेड है और ये हमारा फ्राई पैन है और हम जा रहे हैं ब्रेड ऑमलेट बनाने। तो आइए चलिए बनाते हैं ब्रेड ऑमलेट। चलिए सबसे पहले गैस जलाते हैं।
तो दोस्तों फाइनली हमने ब्रेड ऑमलेट बना लिया है और ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा ब्रेड ऑमलेट तैयार हो गया है, ये देखिए। तो दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बनाया है। लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाया ब्रेड ऑमलेट। ऑमलेट तो मैंने वैसे काफ़ी बार बनाया हुआ है, ये देखिए। दोस्तों बहुत अच्छा बनाया ऑमलेट। तो दोस्तों आप भी कैंपिंग एंजॉय कर सकते हैं अपने समर हॉलीडेज़ में या वीकेंड में या विंटर हॉलीडेज़ में भी। आराम से आराम से। सो गाइज अब हमारा कैंप पैक हो चुका है और हम लोग अब घर जा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।